आज है डे 4 मेरे 21 डेज स्टडी चैलेंज का और सुबह के 4 बजने वाले हैं। मेरी नींद खुल चुकी है। सबसे पहले मैंने ब्रश किया, फिर उसके बाद फेस वॉश किया एंड अब चलेंगे किचन में अपना हॉट वाटर लेने। एंड हॉट वाटर के साथ क्या है ना कि मैं अगर हॉट वाटर ना पीऊँ ना तो फिर मेरा, फिर जैसे चाय पीने के बाद होता है ना कि आँख खुल जाती है, तो मेरे साथ वैसा ही सीन है कि अगर मैं हॉट वाटर ना पीऊँ ना तो फिर मेरी आँख खुलती नहीं है ढंग से। अब करेंगे मेडिटेशन एंड मेडिटेशन करके मुझे काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सिंग फील होता है। आज तो मेरा डे 4 है, सो जो मेरे लास्ट 3 डेज थे ना उसमें मैंने काफ़ी ज़्यादा चेंज फील किया है मेडिटेशन के बाद। सो उसे तो मैं स्किप कर ही नहीं सकती। अब मैं चैलेंज करूँ या ना करूँ बट मेडिटेशन मुझे रोज़ ही करना है। अब सबसे पहले मैंने टू डू लिस्ट बना लिया एंड जो भी मुझे टारगेट्स करने थे मैंने उसे पहले सारा कुछ लिख लिया है। फ्रेंड्स, आप सबको मैं बता दूं कि ठंड ने फिर से दस्तक दे दी है। यस, मुझे लग रहा था कि चलो ठीक है ठंड गई, अब अच्छे से पढ़ाई करेंगे, क्योंकि ना ठंड में ना बस ब्लैंकेट की याद आती है, ऐसे निकलने का मन नहीं करता बाहर ब्लैंकेट से। बट कल रात इतनी बारिश हुई ना कि ठंड फिर से आ गई एंड मेरा मन तो नहीं था कैप लगाने का, सॉक्स पहनने का, बट मुझे इतनी ठंड लगती है ना कि मैंने कैप लगाया और सॉक्स पहना सो दैट मुझे ठंड ना लगे, बिकॉज़ पढ़ना है ही है और फिर मैंने चैलेंज ले रखा है तो फिर मैं इसे डिसबैंडेड नहीं कर सकती हूँ। इस वजह से फिर मैंने कैप वैप लगाई ना, अच्छे से खुद को कवर किया ताकि ठंड वंड ना लगे। एंड आई डोंट नो व्हाई क्यों फिर से ठंड आ गई, बिकॉज सनी डेज अच्छे लगते हैं लिटरली। सेशंस ऑफ इंटरनेशनल कांग्रेस एंड खिलाफत मूवमेंट, देयर आर सो मेनी मूवमेंट्स, सो आप फाइनली उसे पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ मॉडर्न इंडिया। सो एक्साइटमेंट लेवल तो आप मेरा देख ही सकते हो कि आज मैं कितनी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मॉडर्न इंडिया पढ़ने के लिए, बिकॉज आज मुझे न्यू चैप्टर जो शुरू करना था, स्पेशली गांधीयन एरा 1919 to 1939। सो ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर रहा, मैंने पढ़ा, बहुत ही ज़्यादा लेंदी था बट मैंने स्टार्ट कर दिया है। तो मैं गई किचन में एंड वहाँ से मैंने गाजर का हलवा लेके आया खाने के लिए, बिकॉज बहुत भूख लग रही थी। व्हाट आई एम थिंकिंग नाउडेज़ कि जब से मैंने ये चैलेंज स्टार्ट किया है ना, मुझे इतनी ज़्यादा भूख लगती है, आई डोंट नो व्हाई, आई गेस एफर्ट्स ज़्यादा लग रहे हैं शायद इस वजह से। अदरवाइज़ पहले ऐसा था कि बहुत ब्रेक ले लेती थी फिर पढ़ती थी, खूब ब्रेक ले लेती थी फिर पढ़ती थी, बट अभी क्या है कि मैं कंटिन्यूस स्टडी कर रही हूँ सिर्फ और सिर्फ हाफ एन आवर एंड वन आवर का ब्रेक लेके, तो शायद इस वजह से एफर्ट्स भी इंक्रीज़ हो रहे हैं तो मेरी भूख जो है वो भी इंक्रीज़ हो रही है। आई थिंक यही रीज़न है, बाकी पता नहीं, आई डोंट नो व्हाट्स द अप्रोप्रिएट रीज़न बिहाइंड इट। सो यहाँ पर मैंने मॉडर्न इंडिया ख़त्म कर लिया, इसको मैंने 2 घंटे पढ़े, मतलब काफ़ी लेंदी चैप्टर है बट यार अच्छा था। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अभी आप वेदर देखो कितना क्लाउडी वेदर है, ये देखो प्रूफ कि कल रात हुई है बारिश। उसके बाद मैं नीचे आई, मैंने चाय बनाई, ब्रेकफास्ट किया। जो बहुत ठंडी लगती है स्पेशली बैग में और
सो अभी मैं कर रही हूँ वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड इसमें मैंने कंट्रीज़ के नेम एंड कैपिटल्स को साथ के साथ कॉपी में लिख लिया मैप से पढ़ते हुए एंड उसे साइमल्टेनियसली रिवीजन भी कर लिया, लर्न भी कर लिया, बिकॉज चीज़ों को साथ के साथ कर लो ना तो ज़्यादा ठीक है। आप उन्हें रख दोगे फॉर टुमारो और डे आफ्टर टुमारो तो फिर वो चीज़ें ना फिर डिले होती रहेंगी, उनका टाइम कभी नहीं आएगा, इसलिए साइमल्टेनियसली चीज़ों को लर्न कर लेना चाहिए, स्पेशली ज्योग्राफी की चीज़ों को। अब मैंने लास्ट स्लॉट में सी सैट किया इंग्लिश का डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच टॉपिक एंड आज का दिन भी मेरा ऐसा ही था, प्रोडक्टिव था एंड मैंने काफ़ी अच्छे से पढ़ाई की एंड यू नो आप देख ही सकते हो एफर्ट ज़्यादा लग रही है तो भूख भी ज़्यादा लग रही है। सो या अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, लाइक प्लीज़ कर देना, मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है आपके लाइक से, जैसे आपको मेरे वीडियो से वैसे मुझे आपके लाइक से। या दैट वॉज ऑल फॉर टुडे एंड जो भी आपकी कमेंट एंड क्यूरी हो प्लीज़ डू कॉमेंट्स बिलो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं कल डे 5 के साथ, बाय बाय।